हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार इंजीनियर सोशियन एकेडमी में। तो यूपीपीसीएल जेई की तरफ से एक अपडेट ये है सबसे बड़ी कि देखिए, अभी ये जो खबर चल रही थी कि बीटेक को अलाउ किया जाए यूपीपीसीएल जेई में, और जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यूपी में, जितने भी जेई के एग्ज़ाम होंगे बीटेक में भी, तो ये डिमांड है। हालांकि इस पर अभी कोई कंप्लीट वो डिसीजन तो नहीं आया है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कंडीशन होती है, हम सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं, देखिए ना बीटेक ना आईटीआई ना डिप्लोमा सबको, लेकिन अगर किसी के साथ गलत होता है तो हम सबको एक साथ आने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है, वैसे तो नहीं होना चाहिए और जो प्रोबेबिलिटी है कि न हो, अगर ऐसी इनकेस हो जाती है कंडीशन, तो बेसिक जो लोअर पोस्ट हैं उस पर जो हायर पोस्ट होगा वो एप्लीकेबल यानी कि एलिजिबल होगा। जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं वो आईटीआई लेवल के जितने भी फॉर्म हैं उसको भर पाने में सक्षम होंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग अपने तरफ से इस बात को आवाज़ उठाएंगे और इस आवाज़ को लेकर के जाएंगे गवर्नमेंट तक और इस बात को एग्री करवाएंगे अपने लॉजिकल फैक्ट्स के द्वारा। और दूसरी बात कि अगर मैं बात करूँ यूपीपीसीएल जेई के बारे में, तो यूपीपीसीएल जेई का जो सबसे बड़ा फैक्ट ये है स्टूडेंट्स कि यूपीपीसीएल जेई का जो एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा लेवल पर होता है, यानी डिप्लोमा सेमेस्टर्स में जितने सब्जेक्ट होते हैं, ओनली एंड ओनली डिप्लोमा सेमेस्टर्स, उन्हीं सेमेस्टर पर बेस्ड यूपीपीसीएल अपना एग्ज़ाम लेता है, या अगर यूं बोलें कि यूपी आर्बेनल अपना एग्ज़ाम लेता है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो बेनिफिट डिप्लोमा वालों को मिलना चाहिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने अपने कोर्स को 3 ईयर कोर्स को किया है और सारे सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को पढ़े हैं, और उनको लोअर पोस्ट पे जैसे जो आईटीआई के फॉर्म आते हैं उन पर अप्लीकेबल कराया जाना चाहिए, उन पर उनको लागू किया जाना चाहिए डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को। तो मैं डिप्लोमा वाले स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी इस चीज़ से डिप्रेस्ड ना हो, हम आपके साथ हैं, आपके साथ गलत नहीं होगा। देखिए, बीटेक वाले स्टूडेंट्स को अगर अलाउ किया जाता है तो आपके साथ गलत नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ, थोड़ा बहुत भी गलत होता है, तो हम आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। ना गलत बीटेक वालों के साथ होने देंगे, ना गलत आईटीआई वालों के साथ होने देंगे, ना गलत डिप्लोमा वालों के साथ होने देंगे। गलत को गलत कहेंगे और सही को सही कहेंगे। जो लॉजिकल चीज़ें होंगी उनके अनुसार चीज़ों को लेकर के चला जाएगा स्टूडेंट। सो डोंट डिप्रेस्ड अबाउट इट, सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडी पर आप टारगेट करें, फोकस करें, अलग अलग न्यूज़ सोर्सेज पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें, मैं यही कहूँगा आपसे। और मैं आपके साथ हूँ, पूरी टीम आपके साथ है, पूरा संघ आपके साथ है, यूनिटी आपके साथ है स्टूडेंट्स। कुछ भी होता है फिर देखेंगे आगे, लेकिन पढ़ते रहो, सिलेक्शन आपका ही होगा। अगर देखो, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिन्होंने थियरली अपने सेमेस्टर की बुक को पढ़ी है, यानी डिप्लोमा के सेमेस्टर की बुक को पढ़ी है। और अगर ऐसी कंडीशन आती है, बीटेक अलाउ होता है, तो फिर हम अपनी डिमांड करेंगे, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स की डिमांड करेंगे, वी आर विद यू। बीटेक वालों के साथ भी हम हैं, डिप्लोमा वाले के साथ भी हैं, आईटीआई वालों के साथ। गलत किसी के साथ होते हुए नहीं देख सकते हैं, ना होने देंगे, क्योंकि हम एक टीचर हैं और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर बीटेक वालों को बेनिफिट मिलता है इनकेस इन फ्यूचर, अभी ऑफिशियल ऐसा तो कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन ऐसा अगर इनकेस होता है तो हम क्या करेंगे, डिप्लोमा वालों की हम मांग करेंगे और आईटीआई वालों को भी हम मांग करेंगे अपने हक के अनुसार। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो और मोटिवेटेड रहो यार मेरे भाई। जितने भी कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, जो नए सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ते रहो, सिलेक्शंस आपके यहीं से होने और होंगे। और याद रखना, आप बने हो सिर्फ यूपीपीसीएल में जाने के लिए और आपको जाना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ओके।